हेलो फ्रेंड, 23x34 बेहतरीन 3 BHK हाउस प्लान। इस प्लान देखने से यूनिक लगता है क्योंकि कम बजट को ध्यान में रखते हुए बना हुआ है। इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहे। इस प्लान में आपको 3 बेडरूम, किचन, टॉयलेट, बाथ, स्टेयर देखने को मिलेगा। इसमें वॉल का पूरा सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं, पूरा कर भी लिए हैं। पूरा वॉल 5 इंच करके माप रखा हुआ है। और ये जो प्लान है ग्राउंड लेवल से यानी रोड लेवल से 2.5 से लेकर 3 फीट ऊंचा होना है। उस हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। इसमें फ्रंट में आपको देखने को मिल रहा है एसटीआर है। इस बिल्डिंग का एंट्री गेट इधर इस तरह से रहेगा, 4 फीट बाई 6.5 फीट का इसका डोर रहेगा। इसका डोर एंट्री होने में आपको डाइनिंग दिखाई दे रहा है और इस तरफ में एक बेडरूम इसका डोर प्रोवाइड करते हैं। इसका इसका जो डोर है 3 फीट बाई 6.5 फीट का इसका डोर का साइज रहेगा। इसका डोर भी क्लियर कर लिए है। और इस तरह देखा जाए टॉयलेट बाथ है, इसका डोर भी क्लियर करते हैं। इसका डोर रहेगा 2 फीट बाई 6.5 फीट का। और इस तरह में दो साइड में 2 बेडरूम। और इस बेडरूम का जो डोर रहेगा 3 फीट बाई 6.5 फीट का रहेगा। और इस तरफ में तीसरा बेडरूम, इसी का भी सेम रहेगा डोर का साइज 3 फीट बाई 6.5 फीट का। और इस तरफ ये जो है किचन रहेगा, 2.5 फीट बाई 6.5 फीट का डोर का साइज रहेगा। और इसका जो किचन का स्लैब 2.5 फीट ऊंचा होना है। अंदर में जितना वॉल है इसका जो डोर है पूरा क्लियर कर चुका हूँ। और फ्रंट में इसमें आप देख पा रहे हैं इस तरफ में डोर को पास में एक विंडो रहेगा और दूसरे में भी दो दो विंडो प्रोवाइड किए हैं। इस प्लान में डाइनिंग के साथ एक विंडो रखा है, किचन का साथ में भी एक रखा है। इसमें भी एक बेडरूम है, इसके साथ भी रखा है। और इस प्लान में चारों तरफ देखा जाए 3 फीट करके माप छोड़ा हुआ है, उस हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा। और इस प्लान का पीछे का साइड इस बेडरूम का दो दो साइड में 2 बेडरूम का विंडो रहेगा। इस प्लान में चारों तरफ विंडो छोड़ा हुआ है, ऊपर वेंटिलेशन के लिए विंडो छोड़ा हुआ है। ये टॉयलेट बाथ का विंडो रहेगा। और इस तरफ एक बेडरूम, पूरा विंडो का सेटअप कर लिए है। इस प्लान में बिस्तर डाइनिंग सेट पूरा सेटअप कर दिए है। और इस स्टेयर का लुक इस तरह से अब देखने में आ रहा है, आप देख पा रहे हैं पूरा सेटअप इसमें कर दिए है। और इस प्लान का लागत देखा जाए 7 लाख रुपये आ सकता है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस मटेरियल से बनाना चाहते हैं और उस समय का मिस्त्री और लेबर कॉस्ट और महंगाई का ऊपर डिपेंड करेगा। और इस वीडियो देखने के बाद जानने के लिए सीखने के लिए मिला था, एक लाइक कर दीजिएगा। कमेंट में आपका मत बता सकता है। इसका सेटअप मेजरमेंट इस तरह से रहेगा, आप देख पा रहे हैं इस तरह रहेगा 23 फीट
इस तरफ दूसरी तरफ रहेगा 34 फीट, बेडरूम 10.5 फीट इस तरफ रहेगा, और इसका दूसरी तरफ रहेगा 11 फीट का है, और दूसरी बेडरूम 10.5 फीट और इस तरफ 11 फीट, टॉयलेट बाथ का 7 फीट इस तरफ और दूसरी तरफ 4 फीट, और किचन का रहेगा 6 फीट इस तरफ और दूसरी तरफ 7 फीट रहेगा, एक तीसरी बेडरूम 10 फीट 5 इंची इस तरफ और दूसरी तरफ 10 फीट 11 इंची का रहेगा, और स्टेयर का रहेगा 10.5 फीट और दूसरी तरफ रहेगा 6 फीट, और फ्रंट का एरिया में 10 फीट 10 इंची दूसरी तरफ में 5 फीट 5 इंच का रहेगा, और डाइनिंग एरिया में आपको 10.5 फीट और दूसरी तरफ में 7 फीट 1 इंची।